जहाँ पे कंस मामा का रिलेशन आजकल यूट्यूब में ट्रेंड कर रहा है, एक से बढ़कर एक सो कॉल्ड व्लॉगर्स रिश्तों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पे हम इन जनाब को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ, हम बात कर रहे हैं सारस ठकराल की। तो इस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल करा जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए जो हाथ नहीं थकते थे, आज वो हाथ जो है बच्चों से उनकी हिस्से की रोटी छीनने पे उतारू हो गए। तो ये है हमारे यूट्यूब के कंस मामा नंबर टू। कुछ नहीं पता, ये रैंकिंग कभी भी अप एंड डाउन हो सकती है, ये ऐसा कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि ये नाफरमान और कालिया जैसे मामा को रिप्लेस करके नंबर वन पे पहुंच जाए। सो ऑडियंस को इनके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी इन वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर है। तो अगर इन्फ्लुएंसर है तो जाहिर सी बात है ऑडियंस इन्हें देखती होगी, तो इंटरनल चीजें क्या इनकी लाइफ में हो रही है जानना सारी ऑडियंस का हक है। क्योंकि भैया जब कंस मामा की बात हो रही है तो तुम्हें कैसे छोड़ दे, तुमने कौन सा बहुत बड़े झंडे गाड़ लिए, तुमने कौन सा अपनी भांजी के लिए बहुत कुछ अच्छा बोल दिया है, तुम्हारी भांजी का एक प्यारा सा क्यूट सा चैनल चल रहा है लेकिन तुम लोगों को उस चैनल पे भी व्यूज बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तुम्हें भी वो चैनल अपने लिए इतना कॉम्पिटिशन और अपने लिए इतना खतरा लगता है। खतरा सिर्फ उसी इंसान को लगता है जो कि खतरनाक खुद होता है। अगर आप किसी से जलोगे नहीं, किसी से चिड़ोगे नहीं, तो आपको किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क और जलन सिर्फ उसके अंदर ही होती है जिसको इनसिक्योरिटी होती है, और इनसिक्योरिटी इन लोगों को दूसरों से नहीं होती है। ये और नाफरमान मलिक एक ही जैसे साउंड करते हैं, फैमिली में भी एक ही जैसे साउंड करते हैं, क्योंकि इन लोगों को इनसिक्योरिटी किसी और से नहीं होती है, इनको इनसिक्योरिटी अपनों से ही होती है, अपनों के चैनल से ही होती है। इसीलिए डाइवोर्स लेने से पहले इसने अपनी बीवी का चैनल खुद से डिलीट करवा दिया, सो दैट कि इसकी बीवी इसके टक्कर में कॉम्पिटिशन में ना उठ जाए और कहीं इसकी बीवी को इससे ज्यादा व्यू ना मिल जाए। अगर इतना ही लॉयल था अपने रिलेशनशिप को लेकर, इतना ही अपने आप को प्रूव करना चाहता था, तो अपनी बीवी के साथ साथ अपना भी चैनल डिलीट करता ना, तब तो हम मानते कि हाँ इस बंदे के अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन नहीं, इन लोगों के अंदर अपनों को लेकर जो जलन है ना वो साफ नजर आती है। तो इसीलिए इन्होंने 6 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, आए दिन उसके नाम के 5-6 दिन के बाद हर हफ्ते एक ना एक लाइव सजा देता है, और उस लाइव में आके बच्ची को भी बोलता है, बहन के एक्स हस्बैंड को भी बोलता है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस इज ज्योति एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आरस ठकराल एक ऐसे पार्टनर है जो अपनी वाइफ के साथ तो लॉयल नहीं हो पाए, ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी वाइफ ने खुद उनके अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ में ये प्रूव किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया है। तो चलो, ये तो उनकी उनकी वाइफ के साथ चीटिंग की कहानी थी, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात हम कंस मामा जैसे व्लॉगर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर होने का दावा रचते हैं, अपने आप को बहुत नीट एंड क्लीन एंड रिश्तों के लिए इतना लॉयल दिखाते हैं। वहीं पे अगर इनके अंदरूनी रिश्ते देखे जाए तो ये सबसे ज्यादा गंदगी के ढेर है। अगर हम नाफरमान मलिक की बात करते हैं, कालिया मलिक जैसे मामा की बात करते हैं, तो वहीं पे सारस ठकराल जैसे मामा भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ, कोमल जो कि इनकी सिस्टर है सारस ठकराल की, जो बीच में कंट्रोवर्सी के कारण काफी ज्यादा हाइप में भी आई थी, हालांकि उनका यूट्यूब पे कोई अपना चैनल नहीं है लेकिन इंस्टा पे काफी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, काफी ज्यादा मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं। तो वो मैडम जी ने शादी की थी अभी कुछ टाइम पहले, जिनकी शादी में आपको नाफरमान मलिक एज अ ब्रदर का किरदार निभाते हुए नजर आए। हालांकि अपने खूनी रिश्तों में तो ये सगे भाई बन नहीं पाए, लेकिन दुनिया में ये भाई का चोला ओढ़ के हर रिश्ता निभाने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोस्ती भी आप समझ सकते हो ना, दोस्ती भी लेवल वालों के साथ ही होती है। तो इनका लेवल जहां पे मैच करता है ये वहीं से रिश्ता जोड़ लेते हैं, वहीं को अपना उन्हीं को अपना रिश्तेदार बना देते हैं। तो कोमल भी इनकी रिश्तेदारी में बहन लगती है, क्योंकि कोमल अपनी 22 दिन की बेटी को अपने पति के पास छोड़ के दूसरी शादी में घुस गई थी। तो वहां से एक माँ की क्रूरता भी नजर आती है कि कलयुग के भाई, कलयुग में किसी भी रिश्ते का कुछ भी हो सकता है, कोई भी भरोसा करने के लायक रिश्ता रह ही नहीं गया है। तो बात तो हम कंस मामा की कर रहे हैं। तो जहां बहन अपनी 22 दिन के बच्चे को छोड़ के आके लाइफ में मूव ऑन कर सकती है, तो वहां पे भाई को फिर क्या ही है, फिर मामा क्या है। तो इनके मामा ने ऑलरेडी इतनी कॉन्ट्रोवर्सी मचाई हुई थी, लेकिन उस कॉन्ट्रोवर्सी से भी इनका पेट नहीं भरता कि ये आए दिन कुछ ना कुछ दिन के बाद आके लाइव करते हैं और लाइव में इनके टारगेट करते हैं अपनी बहन के फर्स्ट हस्बैंड को और साथ ही साथ अपनी भांजी जानवी को। वो एक छोटी सी बच्ची जो अपने पापा के साथ हंसी खुशी रह रही है, उसके पापा उसका इतना ध्यान रख रहे हैं, एक माँ और एक बाप दोनों का फर्ज निभा के आज उसको 22 दिन की बच्ची से लेकर आज 5-6 साल की बच्ची बना दिया है। तो ये सारस ठकराल को वो चीजें भी मंजूर नहीं होती
कि बार बार उसका नाम लेके बोलता है कि बच्ची का यूज कर रहे हो, बच्ची का यूज कर रहे हो। अरे आपकी बहन ने तो उस बच्ची को अपना कहने से भी मना कर दिया था, आज तक आपकी बहन ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट तक नहीं किया है कि वो बच्ची उनकी है, तो किस बेस में आप बोल सकते हो कि उस बच्ची का इस्तेमाल हो रहा है? जब उस बच्ची को तुम लोगों ने ऑफिशियल इस चीज का एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उस बच्चे की आइडेंटिटी तो तुम लोगों ने खोई हुई है। तुम लोगों ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, आज तक उस बच्ची को आइडेंटिटी नहीं दी। उसके पापा के अंदर एटलीस्ट ये गट्स तो है कि वो सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी बच्ची को ला के दिखाने की हिम्मत रखते हैं, और तो और वो सारे प्रूफ तुम्हारे मुंह पे मारने की भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन तुम लोगों के पास हिम्मत है तो सिर्फ लाइव करने की, लाइव पे आके रिश्तों की मजाक उड़ाने की, बच्चों से लेकर अपनी बीवी तक को कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने की, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कॉन्ट्रोवर्सी से ऊपर, व्यूज से ऊपर, पैसा कमाने से ऊपर और कुछ भी नहीं है। बाकी सारे रिश्ते गए तेल लेने। तो यही तुमने सीखा है, यही तुम्हारी बहन को आता है, और आने वाली तुम शायद अपनी सारी पीढ़ी को यही सिखाने वाले हो। भाई तुम्हारी बहन के तो 3 मिलियन फॉलोवर है, वो खुद अपनी लाइफ में आके अपने बारे में नहीं बोल सकती, तुम क्यों आगे आके बोलते? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें उस चीज से हाइप चाहिए, तुम्हें वो कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी की भूखे हो तुम लोग। सो ये थी आप सबके लिए छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।